दोस्तों, कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का मोबाइल नंबर भूल चुके हैं, आपको नहीं पता ड्राइविंग लाइसेंस में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक था? तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो इसे पता करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पे अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, तो आपको यहाँ पे ऊपर की साइड से इसे कट कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे स्क्रो डाउन करके नीचे की साइड आ जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे डीएल सर्विस रिप्लेस और डीएल अदर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, देन अब आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, तो यहाँ पर आप नीचे की साइड आएंगे और अभी आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर यह स्क्रीन आ जाएगी। तो अब आपको जिस भी ड्राइविंग लाइसेंस का मोबाइल नंबर पता करना है, उस ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ वही एंटर करना जो ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा हुआ है। देन अब आपको यहाँ पे ये कैप्चा कोड एंटर कर देना है। अगर कैप्चा कोड समझ ना आए तो आप इसे यहाँ पे रिफ्रेश भी कर सकती हैं। इसके बाद आप यहाँ पे टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी। इसके बाद आपके ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पे पूरी जानकारी आ जाएगी, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, आपका प्रेजेंट एड्रेस, साथ ही आपकी फोटो और आपके सिग्नेचर। तो ड्राइविंग लाइसेंस की सभी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आएंगे। अभी आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये ड्राइविंग लाइसेंस आपके हैं, तो अगर आपका है ये, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस किसी दूसरे का है, तो आप यहाँ पे नो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस मेरा है, तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में यहाँ पे स्टेट पहले से सिलेक्ट है। इसके बाद आपसे यहाँ पे आरटीओ ऑफिस पूछा जाएगा, तो हमें नहीं पता हमारा आरटीओ ऑफिस कहाँ पे है। तो कोई बात नहीं, बस आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करना है, तो डायरेक्ट आपका आरटीओ ऑफिस यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और अपनी सिटी का पिन कोड नंबर हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है, जिस वजह से यहाँ पे आरटीओ ऑफिस यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया गया है। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, तो यहाँ पर आपके सिम कार्ड की डिटेल मिल जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे सिम कार्ड का लोगो भी शो कर रहे हैं। तो बस अब आप यहाँ पे नीचे की साइड आएंगे, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। जो भी नंबर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस में लिंक है, उस नंबर के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे शो हो जाएंगे। और अगर ईमेल आईडी भी लिंक होगी, तो ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। देख सकते हैं मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट शो कर रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा ही नंबर शो हो जाएगा, तो जी नहीं मेरे भाई, पूरा नंबर आपको शो नहीं होगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी है, जिस वजह से आपको पूरा नंबर शो नहीं किया जा सकता।